विश्व विभूति विजय राजेंद्र सूरी। पारख ओसवाल वंश में जन्मा एक छोटे से व्यापारी का पुत्र अगर बड़ा होकर विश्व पूज्य बन जाए तो वो चमत्कार ही कहलाएगा। ऐसा ही चमत्कार है श्रीमद् राजेंद्र सूरी जी का जीवन। राजस्थान के भरतपुर में 3 दिसंबर 1827 को धर्मपरायण श्रेष्ठी वर्य श्री ऋषभदास जी के घर केशर माता की कुक्षी से रत्नराज नामक बालक का जन्म हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ही इस बालक को भगवान महावीर के त्याग मार्ग पर चलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। आचार्य श्री प्रमोद सूरीश्वर जी ने धर्मोपदेश देकर इनके वैराग्य भावों को नवपल्लवित किया और वे रत्नराज से मुनि रत्न विजय बने। गुरु सानिध्य में रहकर उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, व्याकरण, कोश, छंद, रस, अलंकार आदि का 5 वर्षों तक एकाग्रता पूर्वक अध्ययन किया। आचार्य प्रमोद सूरीश्वर जी ने श्री पूज्य सूरी पद से अलंकृत कर उन्हें विजय राजेंद्र सूरीश्वर घोषित किया। 14 वर्षों तक निरंतर लेखन कार्य कर आचार्य जी ने अभिधान राजेंद्र कोश की अद्भुत एवं अनूठी रचना की, जिसने उन्हें विश्व पूज्य बना दिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक अनमोल 51 ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें संस्कृत प्राकृत, ज्योतिष, शिल्प क्रिया, अनुष्ठान विधि आदि का ज्ञान समाहित किया गया है। वे तप, त्याग एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके तप रूप को देखकर हिंसक प्राणी तक शांत हो जाते थे। उन्होंने मुनि समाज में फैले शिथिलाचार का उन्मूलन कर देवगुरु और धर्म का दिग्दर्शन करवाया। ऐसे विरल व्यक्तित्व के धनी कलिकाल कल्पतरु आचार्य देव श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी ईस्वी सन 1906 को नश्वर देह का त्याग कर अनंत में लीन हुए। रत्नराज से राजेंद्र सूरी बने विश्व की इस महान विभूति ने मोक्ष मार्ग पर धर्मोपदेश दिया और स्वयं भी आदर्श जीवन जी कर अमर हो गए। भारत तथा विदेशों में भी आचार्य श्री के हजारों उपासक हैं, भक्त हैं। ऐसी विरल विभूति को बारंबार वंदना।